बोलेगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक कल्ट रेस्टोरेंट है जो दिल्ली में है, बॉम्बे में, कमला मिल में, अंधेरी में है, और एक ब्रांच है पवाई के लिए। एंड इट्स फैंटास्टिक, इट्स मास के लिए है, इवन इकोनॉमिक है, ऐसा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन बेसिकली। राइट, सो कैसा बॉन्डिंग कैसा रहा है आपका स्पेशली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? मेरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पहले दिन से बॉन्डिंग था, जिस दिन पहला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जब दिल्ली में खुला था तब से मेरा बॉन्डिंग है और आज भी है और हमेशा रहेगा। सो पार्टी करना कितना पसंद करते हैं और यूजुअली कहाँ देख सकती है आपको? मैं तो बस पार्टी कराता हूँ, मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ एज अ डीजे, तो सबको पार्टी मैं कराता हूँ, तो सबको देखते रहता हूँ। सो एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर विद अस? या आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, आई जस्ट फिनिश्ड अ प्रोजेक्ट इन तमिल, इट्स अ तमिल मूवी वेयर आई एम प्लेइंग अ मेन विलन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, इट्स कॉल्ड मेरा इंडिया। ओके, एंड बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं इस बार? मैं इतना टाइम नहीं रहा मेरे पास फॉलो अप करने के लिए, सुना काफी इंटरेस्टिंग है। एनी ऑफ योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन द हाउस? माय लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर, शुक्ला इज देयर, सिद्धार्थ शुक्ला तो काफी अच्छा दोस्त है मेरा। शुक्ला को बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो या थैंक यू सो मच। And in Bombay we have two already and they are doing very well, they are Delhi also, and Priyank is very dear friend of mine, and his all places are doing very well, and hopefully this place will do well in the future also. So what would be your best wishes for them? I want to wish them all the best and just rock it. Pawai is the new place, coming up place, and there's a good crowd, they needed such kind of place, so wish them all the best. How much you enjoy partying in Bombay? I don't enjoy as much as I used to enjoy before, but I go private parties, and Priyank is very dear friend of mine. Zulfi is playing the music today, so it's going to be good fun. Besides this, any upcoming project of yours you would like? Right now I'm shooting for Radhe, Salman bhai ke saath movie kar raha hu, so I'm busy on that. So how was your experience working with Salman? Experience is a dream come true for me. Very, very happy, and always wanted to work with Salman bhai, and finally I got a chance to work with him, and I'm very happy. Thank you so much. लॉर्ड मतलब भाई नंबर वन ऑल माइटी, तो दे आर ट्राइंग टू रूल द इंडस्ट्री विच इज़ अ गुड थिंग, समबडी इज़ डूइंग वेल, वी आर वेरी हैप्पी। प्रियांक सुखीजा इज वन ऑफ द मेन प्रोमोटर्स, सो आवर बेस्ट विशेज। एंड आई थिंक द सेटिंग अप ऑफ एजमार्क इन बॉम्बे, एंड आई थिंक एवरी सिक्स मंथ्स वी इनवाइटेड फॉर अ लॉन्च, एंड आई वुड लव टू विश प्रियांक ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़े दिनों में हर एक एरिया की जगह हर एक कॉलोनी में भी खोल देंगे एक लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, एंड वी हैव अ गुड कैपेसिटी, वी आर देयर टू प्रमोट लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक, एंड बेस्ट विशेस टू लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। सर, इसके अलावा बहुत सारे पार्टी नंबर्स सुने आपके, आपको खुद को पार्टी करना कितना पसंद है? पार्टी इतना करते हैं यार, म्यूजिक 24 घंटे चलता है कि ऑनेस्टली आइडली तो आई लाइक वॉचिंग मूवीज विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट हमारा काम ही यही है लोगों, हमारे दोस्तों यारों के लिए देना, यू नो, टू बी देयर फॉर देम एंड अटेंड दीज इवेंट्स, तो ऑटोमेटिकली पार्टी इतनी हो जाती है कि खुद से पार्टी का प्लान नहीं बनता। कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एनी ऑफ माय सॉन्ग्स। अभी हमारा एक गाना रिसेंटली जो आया था, मैं आपको वो गा देता हूँ। दिल दिया है जहाँ भी तुझे देंगे तो एक बारी आ तो सही, वरुण धवन की पिक्चर में, वन लाइन फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके मैम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स?
have so many branches and now yes. this one. Yes. What do you want to say about it? So Lord of the Drinks is an iconic property that we came up with about 4 years ago. So we're extremely excited that the Lord is finally in Powai. And I hope the people of Powai enjoy it like everyone else across the country has. So this time, kya dene wale hain Lord of the Drinks? I think we are calling it raising the bar because we really think this Lord of the Drinks is raising the bar in design and food and drinks. It's definitely one step ahead of all the other Lord of the Drinks that we've done. So we hope you all enjoy it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, yes. Harsh, Harsh. दोस्त प्रियांश गुजा का है एंड इज एन अमेजिंग गाय इज़ ए ग्रेट बिजनेस मैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सो आई ऑलवेज कम एंड सपोर्ट हिम चाहे वो अंधेरी का हो चाहे वो गुड़गांव का हो चाहे वो सी पी का हो एंड आई एम ऑलवेज देयर एंड प्लस मौका भी मिलता है हमें अपने नए गाने गाने का अपने नए गाने प्रमोट करने का आप लोगों से मिलने का सो वाई नॉट सो बहुत सारे गाने आपने बनाए पार्टी नंबर्स बनाए जी आपको खुद को रियल लाइफ में पार्टी करना कितना पसंद है मुझे रियल लाइफ में पार्टी करना अभी मज़ा नहीं आता बिकॉज मेरा काम ही पार्टी है मैं परफॉर्म करता हूँ क्लब्स में कॉन्सर्ट्स में ऑल ओवर सो अब लाइफ ही पार्टी हो गई आपका जो नया गाना है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हाँ इश्कम ना या इश्कम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है ये नवरत्न म्यूजिक पर रिलीज़ हुआ है मिका पाजी के साथ में और अब 15 मिलियन चला गया है बैक टू बैक जो है हिट हो गया है और मैं बैक टू बैक पूरे वर्ल्ड में शोज़ कर रहा हूँ सो आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये गाना किया है इंडो अरबिक पंजाबी जो मेरी खासियत है सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट ऑल्सो मिर्ज़ापुर का जो पहला सीज़न था उसने धमाल मचाई थी जी दूसरा सीज़न अभी आने वाला है कितने एक्साइटेड है और थोड़ा सा बताइए क्या कुछ नया होने वाला है जी देखिए मिर्ज़ापुर तो जाहिर सी बात है एक नंबर वन वेब सीरीज़ है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं मिर्ज़ापुर 2 कर रहा हूँ विद गुड्डू भैया मेरा कैरेक्टर का नाम है शेख उनाई तो इंशाल्लाह आने वाले साल में रिलीज़ होगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर 2-1 पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी बिकॉज ना सिर्फ स्टोरी बहुत अच्छी है बहुत बड़ा बिल्डअप हो गया है क्योंकि उसमें मैं भी हूँ इसके अलावा जो है मिर्ज़ापुर 1 में हमने देखा था गुड्डू भैया को कैसा एक्सपीरियंस रहा गुड्डू भैया के साथ काम करने का गुड्डू भैया फैंटास्टिक है भैया भौकाल है उनका पूरा भौकाल है मिर्ज़ापुर में उनके साथ मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो डायरेक्टर गुरु हैं मिर्ज़ापुर के जो पुनीत राइटर हैं अमेजिंग टीम एंड अमेजिंग गाइज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला काम करने का अरे इसके अलावा बिग बॉस आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है जी कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस साल का ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ यार ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ लेकिन यार बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं मतलब इतना लड़ रहे हैं कि मुझे आवाज़ कम करनी पड़ती है मैंने भाई तुम लड़ लो बाद में सुनते हैं किस मुद्दे पे लड़ रहे हो बहुत अच्छा है जाहिर सी बात है भाई हैं उसमें जब सैटरडे संडे भाई आते हैं तो मज़ा उस वक्त ही आता है मुझे तो देखने में बाकी जो पूरे हफ्ते का होता है वो फॉलोअप नहीं कर पाते लेकिन जब भी करते हैं मैं लड़ते हुए देखता हूँ उनको मतलब हमारे टाइम में तो एक दोस्ती थी रिलेशनशिप था इसमें तो कुछ नहीं है भैया सब दिमाग लगा के खेल रहे हैं सो वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा हो गया मैं कह रहा हूँ देखिए ये लड़ाई का शो है यू नो इसमें जब तक लड़ाई नहीं हो लोगों को मज़ा नहीं आता है ये कुछ मुर्गे अंदर डाल देते हैं आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप रियली कुछ अच्छा करना चाहते हैं अगर आप रियली कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हैं बिकॉज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार यू कैन रॉक इट किल व्हाई नॉट यू हैव ए बिग अपॉर्चुनिटी और कंटेस्टेंट को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा शो है सलमान सर सुपरस्टार ऑफ द कंट्रीज होस्टिंग है तो चाहिए कि अपना 100% दें बस लड़ना मैं तो यार सच पूछो तो घंटाल गया हूँ मैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है जैसे आपने बोला कि ऑन एंड ऑफ मुझे शुक्ला अच्छा लगता है मुझे शुक्ला वो अपनी सारी बात क्लियर करके चलता है अच्छा लगता है पूरा घर उस पर टिका हुआ है मतलब शुक्ला ने ऐसे जैसे यू नो श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया हुआ था ना कनुंगी से बिग बॉस को ऐसे उठाया हुआ है और अदर कंटेस्टेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सब ठीक है सब ठीक है तो अपने हिसाब से बेचारे हार्ड वर्क कर रहे हैं कुछ देना चाहते हैं लेकिन जो बिग बॉस है जो देना चाहिए वो नहीं अभी तक नहीं आ रहा मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा
शो है, भाई आते हैं तो टीआरपी कहीं उससे कहीं पहुंच जाती है, क्योंकि भाई दो दिन के लिए आते हैं, एंटरटेन करके चले जाते हैं, इन लोगों को सीखना चाहिए उनसे, सीख ही रहे। लास्टली इसके अलावा कोई अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट यार इंशाल्लाह साउथ की कुछ फिल्में हैं जो स्टार्ट हो रही हैं बहुत जल्दी, और कुछ बॉलीवुड की एक फिल्म है, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता दूंगा, न्यूज़ मिल जाएगी। मैं तो बॉम्बे टाइम्स में डाल देता हूँ न्यूज़, आप लोग कर लेते हो वहाँ से कॉपी, नहीं कोई नहीं मिलेगी जल्दी आपको। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।